नमस्कार, स्वागत है आपका द यूपी हेडलाइंस में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी गुप्ता। उत्तर प्रदेश की बेहतर यातायात व्यवस्था व कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ की सख्ती व यूपी पुलिस के निर्देश के बाद कुछ सप्ताह में लगातार वाहन चेकिंग व हेलमेट चेकिंग अभियान के मद्देनजर राजधानी लखनऊ वासियों ने हेलमेट पहनने व यातायात व्यवस्था पर रखी अपनी राय। साथ ही हेलमेट पहनने को लेकर बताया यूपी पुलिस का सराहनीय कार्य। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को अच्छा बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व डीजीपी के आदेश के बाद राजधानी लखनऊ में चेकिंग अभियान को लेकर के बड़ी सक्रियता। हम आपको बता दें, हम राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम चौराहे हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं और यहां से अपने चैनल द यूपी हेडलाइंस टीम की तरफ से लाइव चौपाल की शुरुआत कर रहे हैं। यातायात अभियान को लेकर के सप्ताह जारी भी है। हम लोगों से बात करेंगे कि जो यातायात व्यवस्था को लेकर के जो पुलिस की सख्ती है कार्रवाई और लखनऊ के ही तमाम अलग अलग जो चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में वाहन चेकिंग हेलमेट चेकिंग अभियान को लेकर के जो गतिविधियाँ तेज हैं, इस पर लोगों की क्या राय है? दीपक जी, बताइए कि जिस तरीके से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यूपी पुलिस के द्वारा ये हेलमेट चेकिंग अभियान वाहन चेकिंग अभियान चलाया, कितना कुछ ठीक लगता है? बहुत अच्छा है, इससे इंसान की सेफ्टी रहेगी। क्या कुछ कहना, इससे पहले जैसे अभी तक नहीं था, आप एकदम से ही इस तरीके से गतिविधियां हैं? नहीं, ये सरकार की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए और इंसान की सुरक्षा के लिए अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हजरतगंज चौराहे पर जो सिपाही हैं, वो भी जो यातायात चेकिंग को लेकर के चेकिंग अभियान चला रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ जनता का मतलब प्रतिक्रिया है और कितना कुछ जो है सुधार हुआ है। आप चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, कितने बजे से लगभग कर रहे हैं? और ये जो 10 बजे से चेकिंग कर रहे हैं, ये जो अभी जारी है एक तरीके से, कितना कुछ सुधार हुआ है पिछले कुछ सप्ताहों से जो चेकिंग अभियान जारी है? अब हेलमेट तो बिल्कुल 90% से भी ऊपर हो चुका है, जो है इस एरिया में तो बिल्कुल 99% बिल्कुल ओके हो गया। अच्छा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बिना हेलमेट के दिखाई देंगे। और किस तरीके की कमियाँ पाई आपने? और ट्रैफिक वायलेशन भी हो रहे हैं, तो ट्रैफिक वायलेशन का भी ज़्यादा से ज़्यादा चालान किया जा रहा है। क्या कुछ जनता का फीडबैक क्या मिला आप जैसे? कुछ जनता का सहयोग भी मिल रहा है, लोग का उसको काम को जो सराहना दे रहे हैं, नहीं अच्छी बात है जो है, तो अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। आप बताइए, आप किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था को लेकर के जागरूक हैं? हम लोग सिग्नल सही तरीके से चलवा रहे हैं। पब्लिक 80% यहाँ की कुल मिला के सुधर चुकी है, सिग्नल बहुत कम तोड़ रही है। हम लोग अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से कर रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा संख्या में उसके घटना न हो, हैं, और घटनाओं को बचाते हुए हम लोग ट्रैफिक चला रहे हैं। जो सिग्नल तोड़ने वाले व्यक्ति हैं उनका चालान किया जा रहा है। कितने दिनों तक ये अभी और सप्ताह चलेगा? और इसको जितने समय तक हमारे सीनियर अधिकारी आदेश पे आदेश करते जाएंगे, हम लोग वैसे उसी प्रकार इनमें सुधार करते चले जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस सदैव कार्य करती रहेगी। बिल्कुल, जैसा कि आप लोग, जैसा कि गर्मी भी प्रचंड है, गर्मी को लेकर के भी आप टीवी अखबारों में खबर देख सकते हैं। इतनी गर्मी में आपके साथ में अन्य सिपाही भी हैं, तो आप लोगों की ऐसा मतलब थोड़ा सा इस धूप से बचने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम किए गए? धूप से बचने के लिए हम लोग पानी बगल में भरवाया गया है, वही पी करके हम लोग अपनी नौकरी करते हैं। तो ये हमारे साथ में यहाँ पे कुछ सिपाही हैं जो अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को लेकर के बहुत ही संजीदा तरीके से चिलचिलाती धूप में जो सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से मिले नियमों का, आदेशों का पालन कर रहे हैं। और साथ ही साथ में पूरी यातायात व्यवस्था को लेकर के, हेलमेट व्यवस्था को लेकर के बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर पुलिस के सिपाही मौजूद हैं और वो हर एक वाहन स्वामी को रुकवा रहे हैं जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगा के रखा है या कुछ कमियां हैं ऐसे लोगों को। हम जनता से भी बात करेंगे कि जो यातायात अभियान को लेकर के जो यूपी पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई, ये अभियान चल रहा है, इस पर जनता का क्या कुछ फीडबैक है, जनता लखनऊ की जनता क्या कुछ कहती है? प्रशांत जी, जिस तरीके से यातायात व्यवस्था को लेकर के पुलिस की सक्रियता है चौराहों पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस समय तो आजकल तो अच्छी है, सब लोग हेलमेट लगाना चालू कर चुके हैं, ये देख के अच्छा लग रहा है। जो लोग रैश ड्राइविंग करते थे वो भी अब ख़त्म हो चुका, कमी कम है पर ख़त्म तो कहीं नहीं सकते हैं। अच्छा, ये जो दो, जैसे दो लोग अगर एक गाड़ी पे बाइक पे अगर चलते हैं, दोनों लोग हेलमेट लगाएं, इस पर क्या कहना आपका? प्रीमियम राइडर को तो लगाना भी चाहिए, बहुत सारी सिटीज़ में, दिल्ली में हमने कई बार गए हैं, वहाँ पर देखा, वहाँ पर ज़रूरी, यहाँ पर भी रहेगा तो जो पीछे वाला वो भी सेफ ही रहेगा, कोई ऐसा ये भी नहीं है कि सेफ नहीं रहेगा।
पीछे वाले की सेफ्टी है, वो लगाएगा वो भी उसी के लिए बेनिफिट रहेगा, और किस कुछ होगा। हम और भी बात करेंगे, और भी लोगों से जानेंगे, जैसा कि यातायात अभियान जो व्यवस्था है, सक्रियता है पुलिस की, इसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि लोगों ने जो है अपने कार में बैठ के जो है सीट बेल्ट भी बाकायदा अच्छे से लगा रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? वीके वर्मा। वीके वर्मा जी, जो यातायात अभियान को लेकर के जो ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस की जो सक्रियता है, क्या कुछ कहना है इस पर? नहीं तो अच्छा प्रयास होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको, लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? अवेयरनेस लोगों में आनी चाहिए, तभी लोग स्वच्छता के ध्यान से करेंगे। अवेयरनेस जरूरी है, ये भी शक्ति होंगे। तो ये हमारे साथ में कुछ लखनऊ की जनता भी थी, हमने पुलिस वालों से भी, ट्रैफिक पुलिस वालों से भी बात करी, जो लखनऊ की जनता थी उस जनता से भी बात करी। सभी का ये कहना है कि जो पुलिस प्रशासन की तरफ से यातायात जागरूकता को लेकर के जो पुलिस हेलमेट या हेलमेट लगाने के लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है, बहुत अच्छी पहल है, और साथ ही साथ में जो हेलमेट लगाने वालों की संख्या है यातायात अभियान की सक्रियता से कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 90% लोग राजधानी जैसे लखनऊ शहर में जो है बाइक चलाते वक्त हेलमेट का यूज़ कर रहे हैं, तो वहीं कार चलाने वाले लोग भी सीट बेल्ट का उपयोग कर रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जीशान के साथ मैं खुर्शीद आलम, यूपी हेडलाइंस न्यूज़ लखनऊ। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द यूपी हेडलाइंस। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।